हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी शेड्यूल नंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उससे मैंने पूछा था अपने सब्सक्राइबर से कि क्या उनको स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स चाहिए, तो उन्होंने इसमें कॉमेंट किए थे कि हाँ उन्हें चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो जो है लेकर के आ रहा हूँ। तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपको बता दूँ, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो पर्सनली और मुझसे कोई भी हेल्प लेना चाहते हो प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेम्बरशिप ज्वाइन कर सकते हो, या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या तो इंस्टा आईडी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड टू फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एन डी एग्जामिनेशन 2022। देखिए इसके में जो भी आपको दिख रहा है उतना क्लियर नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हो टोटल जो वैकेंसीज है वो है 15, यानी कि 15। आप देखो अजमेर में एसटी की सिर्फ एक वैकेंसी है, यूआरई कोई भी नहीं है, एससी की भी कोई भी नहीं है, ओबीसी की भी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आसनसोल, यहाँ पे यूआर की सिर्फ एक वैकेंसी है, एसटी एसटी एससी ओबीसी इनकी कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। बेंगलोर में देखिए सिर्फ ओबीसी की एक वैकेंसी है, भुवनेश्वर में सिर्फ यूआर की एक वैकेंसी है, चंडीगढ़ में सिर्फ यूआर की एक वैकेंसी है, गुवाहाटी में दो वैकेंसीज हैं यूआर की, दो वैकेंसीज हैं ओबीसी की, हैदराबाद में एक वैकेंसी है ओबीसी की, मुंबई में सिर्फ यूआर एंड एससी की वैकेंसी है दो और दो, और रायपुर में यूआर की वैकेंसी है सिर्फ वो भी एक। तो टोटल अगर हम देखें यूआर की वैकेंसीज है 8, एससी की हैं 2, एसटी की हैं 1, ओबीसी की हैं 4, और इन सबको मिला करके जो वैकेंसीज बनती हैं वो है 15। तो स्टेट वाइज वैकेंसी का सिर्फ इतना ही डेटा है मेरे पास, टोटल 15 वैकेंसीज हैं और उनको इन स्टेट्स में इस तरह से डिवाइड किया गया है, यूआर की 8 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है। तो अब आप इस मिनिस्ट्री को भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आप एक कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी हैं और आपके मार्क्स कितने, उस हिसाब से आप इसको भर सकते हो। और आपको बता दूँ इसकी जो पोस्टिंग मिलेगी वो ऑल ओवर इंडिया है, ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री है तो सिर्फ दिल्ली में ही होती है, हालांकि इसका एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस दिल्ली में भी है तो शायद वहाँ भी मिल जाए, बट 90% है कि आपको बाहर ही मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने जब पूछा था कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की चाहिए कि नहीं चाहिए ये डिटेल्स स्टेट ऑफ वैकेंसी, तो सही सब ने येस करके भेजा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो येस प्लीज, कोई स्टेनोग्राफर्स वे है और अनुप्रिया चौहान, अर्चना प्रियदर्शनी सब ने येस कराए थे, दिव्यांशी साहू, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर आप किसी कोई भी एक स्टेनोग्राफर है जो जेन्युइन स्टेनोग्राफर है उसको आप जोड़ना चाहते हैं चैनल से, तो उसको जोड़ सकते हैं और उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।